तो यार उसमें रियलमी 6 आए कि आपको मैं टॉप आपको 50 से भी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। या ना उसमें कमाल की इसमें ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको, कुछ भी नहीं बस इस वीडियो को एंड तक देखना है। फिलहाल आपको इसी वीडियो में 6 आए के रियलमी 6 आए के टॉप 50 से ज़्यादा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ। तो चलिए सभी वीडियो की तरफ चलते हैं, जाते हैं हम यहाँ पर सेटिंग में। तो चलिए अभी हम जाते हैं सेटिंग में बिना टाइम वेस्ट किए। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं, जाना है आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आपको चाहिए नहीं चाहिए, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर अगर आपको लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चाहिए तो इसको ऑफ कर लेना, ऑन कर लेना है। अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन तो को ऑफ कर लेना। यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आते हैं, सो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद ना आपको ठीक नीचे आने के बाद मैनेज नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, मैनेज नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ना उसमें बहुत आपको ऐसे एप्लीकेशन मिलेंगे जिससे आपको बार 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 हर मिनट में नोटिफिकेशन आते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं। मान लो कि क्रोम, क्रोम से ही आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं बहुत लोग को, यहाँ पर वो परेशान हो जाते हैं वो नोटिफिकेशन से, बस होता है क्लियर कर करके। तो यहाँ पर आपको बंद करना है, तो यहाँ से बंद कर लेना है तो आपको क्रोम से कोई भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उसके बाद ठीक नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं सो सो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार, यहाँ पर उसमें बैटरी परसेंटेज आपको रखना है। अगर आपकी बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाई दे रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी परसेंटेज रख सकते हैं, ये इनसाइड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनसाइड है। अगर आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर जो बैटरी है ना उसके अंदर ही दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटसाइड रखना चाहते हैं तो आउटसाइड भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं बैटरी अलग है और परसेंटेज अलग है, यहाँ पर बाजू में दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से बैटरी परसेंटेज रख सकते हैं। उसके बाद हम चौथे ट्रिक की बात करेंगे तो आता है हम रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, ये कि आपको बता देता हूँ। दोस्तों मान लो कि आप सिम कार्ड डालकर नेट यूज़ कर रहे हो और आपका नेट कितनी स्पीड चला है, कितनी तेज़ी से, कितनी kbps, कितनी mbps चला है, वहाँ आप ऊपर है ना सो सिग्नल बता देगा कितनी mbps स्पीड चला है। यहाँ पर दोस्तों और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट इन स्टेटस बार। अब देखते हैं ये कि आपको बता देता हूँ, हम मान लो कि आप आइकॉन रख लेंगे ना, आप देख सकते हैं अभी सेटिंग का एक आइकॉन दिखाई दे रहा है। आप नंबर ऑफ मैसेज कर लेंगे ना, आपको कौन से एप्लीकेशन से आपको कितने मैसेजेस आए वो नंबर बता देंगे। मान लो कि 10 एप्लीकेशन से 10 नोटिफिकेशन आए तो 10 यहाँ पर बता देंगे, अभी फिलहाल सेटिंग से इतना नोटिफिकेशन आया बोलकर एक ही दिखाई दे रहा है। अब नो प्रॉब्लम रखेंगे तो अभी कुछ भी नहीं दिखा देगा, आपको आइकॉन रख लेना है। अब मान लो कि आपको व्हाट्सअप से नोटिफिकेशन आ गया तो व्हाट्सअप का आइकॉन दिखा देगा, फेसबुक से आ गया तो फेसबुक का यहाँ पर आइकॉन दिखा देगा। सो ये अच्छी ट्रिक आती है। उसके बाद हम बैक आएंगे, सो भी पूरा बैक आने के बाद हम और ट्रिक्स यहाँ पर देखेंगे। भी जाना है कॉल्स फोन सेटिंग में जाना है, फोन पर क्लिक करना, एग्री पर क्लिक करना। अगर आप नया ले स्मार्टफोन तो आपको यहाँ पर टू डॉट आपको दिख रहे हैं, टू डॉट पर क्लिक करके आप सेटिंग पर क्लिक करना। सेटिंग पर क्लिक करने के सबसे पहले आपको यहाँ पर पहले ट्रिक की बात करते हैं, यहाँ पर पहले ट्रिक की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये कोई खास नहीं बैक आते हैं। यहाँ पर देखते हैं फ्लैश ऑन कॉल, छवी ट्रिक की बात करेंगे तो आता है यहाँ पर ये फ्लैश ऑन कॉल को अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। ये क्या आपको बताता हूँ, अगर आपको फ़ोन आ गया तो है ना दोस्तों ये पीछे वाली फ्लैश लाइट लगते रहेगी, अगर साइलेंट है आपका स्मार्टफोन तो भी आप दूर रखें तो पहचान सकते हैं। उसके बाद हम ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा ऑटो आंसर, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। एक है आपको बता देता हूँ, अब मान लो कि आपका ब्लूटूथ कनेक्ट है आपके कानों में ब्लूटूथ लगा है तो है ना सो ये 10 सेकंड रखेंगे, 5 सेकंड रखेंगे, 3 सेकंड रखेंगे, अब जितना रखना है रख लेना। और 10 सेकंड रखेंगे ना तो 10 सेकंड के बाद अगर आपको कॉल आ गया तो 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक वो फ़ोन रिसीव हो जाएगा, अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्ट है अपने स्मार्टफोन से। तो यहाँ पर 10 सेकंड रखना चाहते हैं, 10, 5, 3 इतने आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे तो आता है पर कॉल रिकॉर्डिंग, आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी इसी सेटिंग में मिल जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑल कॉल्स पर आपको क्लिक करके यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग को ऑन कर लेना है। अगर आपको कॉल आ रहा है तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। आप नो लिमिट, आप मैक्सिमम रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर नो लिमिट रख लेना। यहाँ पर 3000 है, 2000 है, 1000 है, यहाँ पर 3000, 2000, 1000 आप करेंगे ना तो 3000 करेंगे तो 3000 के बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा या तो वो पहले वाले रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, इसलिए आपको नो लिमिट रख लेना। सो नो लिमिट रखेंगे तो आपकी जितनी मेमोरी है उतनी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स होते ही रहेंगे। यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें कोई है नहीं तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं तो वाइब्रेट व्हेन कॉल इज आंसर्ड एंडेड, आप देख सकते हैं ये क्या आपको बता देता हूँ। मान लो कि आप किसी को कॉल कर लिया, कॉल करने के बाद वो फोन उठा लिया, उठाने के बाद ना तो वो आपका स्मार्टफोन ना थोड़ा वाइब्रेट हो जाता है। अगर आप फ़ोन कान को लगाए नहीं फिर भी वो वाइब्रेट होने के बाद आपको पता चलता है ये फ़ोन उठा लिया है बोलकर, कुछ इस तरह से ये ट्रिक आती है, इसको भी आप ऑन करके रख लेना और ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कोई ट्रिक्स यहाँ पर उतने खास तो नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे कॉन्टैक्ट टू डिस्प्ले, इस पर क्लिक करके
और देखेंगे तो यहाँ पर अभी अगर आप ईमेल आईडी ऐड किया तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी शो हो जाएगी। यहाँ पर ऑल कॉन्टैक्ट्स कर लेना, उसमें आपको ऑल कॉन्टैक्ट्स कर लेंगे ना, ईमेल आईडी, फ़ोन मेमोरी और आपकी सिम, जितने आपको सब कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे अगर आप ऑल कर लेंगे तो। उसके बाद दसों जाएंगे हम सेटिंग में, यहाँ पर कमाल की ट्रिक्स और देखेंगे। यहाँ पर आपको जाना है, उसके बाद आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना है। यहाँ पर कुछ ट्रिक्स मिलेंगे, सबसे पहले आता है यहाँ पर डार्क मोड को लेकर। डार्क मोड को ऑन कर लेना, डार्क मोड को ऑन कर लेंगे ना आप, आपके आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और आपकी बैटरी ना कम कंज्यूम होगी, बैटरी आपकी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी और बैटरी बैकअप ज़्यादा देगी। आप शेड्यूल करना चाहते हैं शेड्यूल भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे शाम के 7 बजेंगे ना ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा डार्क मोड, और सुबह के 7 बजेंगे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। आपको डेली ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर इसको शेड्यूल कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आता है। आप 24 घंटे यूज़ करेंगे तो चलेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। मैं भी 24 घंटे यूज़ करता ही हूँ, हमेशा ऑन ही रहता है मेरे स्मार्टफोन का, कुछ इस तरह से ये आता है दोस्तों। और हावर फ्रॉम सनराइज तो आप देख सकते हैं, जैसे दिन में इतना ही ऑन हो जाता है, उसको भी आप रख सकते हैं शेड्यूल कर लेना दोस्तों। लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है और 24 घंटे उससे भी अच्छी ट्रिक है दोस्तों। उसके बाद आप पर ग्यारहवीं ट्रिक की बात करेंगे तो आई कंफर्ट, आप देख सकते हैं कंफर्ट देख सकते हैं, ये ना एक आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं डिस्प्ले कलर ये चेंज होगा, ये भी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये रात में यूज़ करना है इसमें आपको। आप रात में यूज़ करेंगे ना, जो ब्राउज़र वगैरह करते रहते हैं उसका डार्क मोड वगैरह नहीं है तो इसको कर लेना, इसको ऑन कर लेंगे ना आपका डिस्प्ले कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये भी आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो शेड्यूल भी कर सकते हैं दोस्तों, और इसको ऑन करके यूज़ करने से आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा और एक बात आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी, इससे भी बेहतर वो डार्क मोड ही है दोस्तों, वो डार्क मोड ही यूज़ कर लेना। उसके बाद दोस्तों और आते हैं नीचे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कलर स्क्रीन, कलर टेम्परेचर, आप कलर टेम्परेचर भी है इसमें, आप कुछ इस तरह से स्क्रीन का कलर भी चेंज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट, और आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट है और कुछ इस तरह से आप कूल है डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट ही थोड़ा अच्छा दिख रहा है, डिफ़ॉल्ट ही रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों 13 फीचर की बात करेंगे तो नीचे आने के बाद देख सकते हैं आप फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज़ है ना दोस्तों, अगर आपको कम दिखता है तो फॉन्ट साइज़ पर क्लिक करके यहाँ पर फॉन्ट को लार्ज भी कर सकते हैं, स्मॉल और डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे फॉन्ट भी रख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कम दिखता है तो बड़े कर लेना फॉन्ट, थोड़ा आपको बड़े में दिखेंगे, थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं डिस्प्ले साइज, डिस्प्ले साइज पर क्लिक करके दोस्तों, अगर ये भी उसी के रिगार्डिंग है, अगर आपको कम दिखता है तो डिस्प्ले साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हैं, डिस्प्ले को ही बड़ा कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट है और कूल है मतलब स्मॉल है, स्मॉल डिफ़ॉल्ट और लार्ज, ये तीन आपको ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में, डिफ़ॉल्ट ही रख लेता हूँ मैं। आप देख सकते हैं उसके ठीक नीचे आने के बाद स्क्रीन डिस्प्ले, यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद ना क्लिक करेंगे नॉच डिस्प्ले बाय ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद ना कौन से एप्लीकेशन से आपको ये नॉच नहीं चाहिए, अब मान लो कि एप्लीकेशन में ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद ये नॉच दिखाई नहीं देती है, ऐसा आप रख सकते हैं दोस्तों। कौन से एप्लीकेशन से आपको नॉच नहीं चाहिए वो एप्लीकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेना, वो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद नॉच नहीं दिखाई देगी। उसके बाद ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा दोस्तों फुल स्क्रीन डिस्प्ले बाय ऐप, अभी यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं है फिलहाल, यहाँ पर फुल स्क्रीन ऐप नहीं है, उसको फुल स्क्रीन रखना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन भी रख सकते हैं, जो कुछ इस तरह से ये सेटिंग आती है। और उसके अलावा सो और बैक आकर बात करते हैं आगे इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स की, यहाँ पर अब बात करना है सो अभी होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर होम स्क्रीन मोड पर आपको क्लिक करना है, होम स्क्रीन मोड पर क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड मोड है, ड्राइवर मोड है, अभी ये देख सकते हैं फिलहाल ये ड्राइवर मोड है, कुछ इस तरह से आता है ड्राइवर मोड। अब स्टैंडर्ड मोड कर लेंगे ना आप देख सकते हैं, अप्लाई कर लेंगे, स्विच कर लेंगे, स्टैंडर्ड मोड ये है दोस्तों। आप देखते हैं यहाँ पर ऐसे ड्राइव करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे ये नहीं आएंगे दोस्तों, ये ड्राइवर मोड आपको देख सकते हैं एप्लीकेशन नहीं आएंगे, आपको साइड में ही मिलेंगे। अब ड्राइवर मोड रखेंगे ना दोस्तों, आप देख सकते हैं आप ड्राइवर मोड ये कुछ इस तरह से आता है, ड्राइवर मोड रखने के बाद दोस्तों आप देखते हैं ये ऐसे ऊपर ड्राइव करने के बाद ना एप्लीकेशन आ जाएंगे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप रख सकते हैं। उसके बाद 18 फीचर की बात करेंगे तो शो एप्स प्रेडिक्शन, ये आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ड्राइव करने के बाद ही ना ये एप्लीकेशन प्रेडिक्शन आती है, जो लेटेस्ट एप्लीकेशन हम ओपन कर लिया, रिसेंट एप्लीकेशन यहाँ पर आते हैं दोस्तों, ये आपको बंद करना है, ये आप हर बार चेंज होते रहते हैं तो हमको कंफ्यूज होता है एप्लीकेशन ओपन करने में, तो हमको क्या करना है यहाँ पर इसको बंद करना है तो उसी लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन में जाना है, सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा होगा शो ऐप एडिशन, इसको बंद कर लेना है तो यहाँ से वो चले जाएंगे तो आप बड़े आराम से अच्छे से अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर पाएंगे, आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होगा उसको यूज़ करने में। उसके बाद दोस्तों और ठीक नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं ऐड ऐप्स टू होम स्क्रीन, ये क्या आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसको ऑन करके रखना है, ऑन करके रखने के बाद आप प्ले स्टोर से नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ऊपर होम स्क्रीन पर वो एप्लीकेशन आ जाएगा स्वयं ऊपर ही, और आप इसको बंद करेंगे तो वो ऊपर नहीं आएगा, वो ड्राइव करने के बाद एप्लीकेशन मिलेंगे ना हमको वहाँ आ जाएगा, इसको ऑफ करना चाहते हैं ऑफ, ऑन करना चाहते हैं तो ऑन, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप रख लेना दोस्तों। और उसके ठीक नीचे आने के बाद और देख सकते हैं होम स्क्रीन लाइट, ये क्या आपको बताया दोस्तों
अभी 5X6 है, ये क्या आपको बताता हूँ। अब एक ही पेज में छोटे छोटे एप्लीकेशन बनकर एडजस्ट होकर यहाँ पर सारे एप्लीकेशन बढ़ जाएंगे। अब 4X6 करके लेंगे ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े एप्लीकेशन हो जाएंगे, एक ही पेज में फुल होकर आएगा। सो कुछ इस तरह से आता है, आपको देख सकते हैं, आप तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर रख सकते हैं। सो 5X6 रख लूँगा तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बनकर उसी में एडजस्ट होकर सारे एप्लीकेशन बैठ जाएंगे। सो कुछ इस तरह से आता है। उसके बाद एप्लीकेशन है, सो ओपन करते वक्त और क्लोज करते वक्त स्पीड होता है, स्लो होता है अपना। अब देखते हैं अभी कितना स्लो हो रहा है, ओपन कर रहा हूँ बैक आ रहा हूँ तो कितना स्लो ओपन हो रहा है, कितना स्लो बैक आ रहा है। तो अगर हमें इसको अभी स्पीड करना है, अभी फास्ट कर लेंगे ना, इसको फास्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से ओपन हो रहा है, कितनी स्पीड से क्लोज हो रहा है। इसमें कुछ इस तरह से सेटिंग आती है, इसको भी आप ज़रूर ऑन करके रख लेना, फास्ट ही रख लेना, नॉर्मल और स्लो मिलेगा, आपको फास्ट ही यूज़ करना है। उसके बाद डबल टैप, सॉरी स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पर ग्लोबल सर्च है, तो आप नीचे ये करेंगे ना, आप स्वाइप करेंगे नीचे तो यहाँ पर ये सर्च बार आता है। हमको ये नहीं अभी दूसरा रखना है, हमको यहाँ पर हम नोटिफिकेशन सेंटर रखेंगे, अभी नोटिफिकेशन सेंटर रखेंगे ना। सो आप देखते हैं अभी स्वाइप डाउन करने के बाद ये नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा ऊपर से, ये अच्छी ट्रिक आती है। सो इसको जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डबल टैप टू लॉक, अब ये क्या आपको बताता हूँ, इसको ऑन कर लेना, ये भी बहुत ही कमाल की ट्रिक आती है। इसको ऑन करना, डबल टैप करेंगे ना स्क्रीन पर, तो आप डबल टैप कर दिए आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, कुछ इस तरह से आता है। सो यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक आती है, डबल टैप करना आपको, बस डबल टैप कर दी स्क्रीन आपका ऑफ हो रहा है, डबल टैप करने के बाद स्क्रीन ऑन भी हो जाएगा, वो तो आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद और ठीक नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट थीम डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले ऐप अपडेट डॉट, ये क्या आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ पर ऊपर वो डॉट दिखाई देता है, कौन से एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, यहाँ पर वो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आ गया तो आप देख सकते हैं यूसी प्रोसेस से एक डॉट दिखाई दे रहा है, वो ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आप उसको ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी कोई डॉट नहीं दिखाई दे रहा है, इसको ऑन करके रख लेना दोस्तों, तो पता चलता है कि इससे नोटिफिकेशन आपको आया है बोलकर। उसके बाद सेट थीम आपको दिख रहा होगा दोस्तों, उसके ठीक नीचे यहाँ पर अगर आपको थीम रखना है तो थीम भी रख सकते हैं, तो अलग अलग तरह तरह के। इसके अलावा अभी फिलहाल तो यहाँ पर दो हैं, और भी आप नेट पैक वगैरह डालकर आपकी रियल मी अकाउंट बनाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों, और भी। उसके बाद उसके ठीक नीचे आने के बाद देख सकते हैं आप सेट आइकॉन स्टाइल, आप आइकॉन स्टाइल को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं दोस्तों, जैसा आपको अच्छा लगता है आइकॉन स्टाइल वहाँ पर ऐसे रख लेना, मैनुअल स्टाइल है और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको आइकॉन स्टाइल मिल जाएंगे। सो आप देखते हैं अभी फिलहाल ये आइकॉन स्टाइल चेंज हो गया है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आइकॉन स्टाइल आप रख सकते हैं। सो ये डिफॉल्ट है और ये मैनुअल है, कुछ इस तरह से आते हैं अभी यहाँ पर ट्रिक्स हैं। सो उसके बाद और साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको जाना है, यहाँ पर जाने के बाद और ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा सो डिफॉल्ट फंक्शन फॉर वैल्यूम बटन्स, ये क्या आपको बता दूँ, मीडिया का वैल्यूम और रिंगटोन वैल्यूम, ये क्या आपको बता दूँ। आप मान लो कि आप वैल्यूम बटन क्लिक करेंगे तो मीडिया का वैल्यूम ज़्यादा होना चाहिए या रिंगटोन का वैल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं अभी ये रिंगटोन का वैल्यूम ज़्यादा हो रहा है बटन क्लिक करने के बाद, अब यहाँ पर मीडिया करेंगे तो आप देख सकते हैं ये मीडिया का वैल्यूम ज़्यादा हो रहा है, कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर इसको भी ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ठीक नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे बटन्स हैं ना, सो ये सारे साउंड को आपको ऑफ करना है, स्क्रीनशॉट साउंड, वाइब्रेट, टच वगैरह वगैरह सबको, लॉक स्क्रीन, टच वगैरह सबको आपको ऑफ करना है। यहाँ पर ऑफ करने के बाद ये बैटरी बैकअप आपकी ज़्यादा देगी, क्योंकि ये टच करते वक्त बार बार वाइब्रेट होते हैं स्मार्टफोन, और टच आवाज़ करता है टिक टिक बोलकर, और लॉक करने के बाद आवाज़ करता है टिक बोलकर, ऐसे वो होने से ना दोस्तों आपकी बैटरी कम ज़्यादा कंज्यूम होगी, इसको ऑफ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों और एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, अब मान लो कि आप मैसेंजर पर हो और साथ में आप मान लो कि कोई दूसरे एप्लीकेशन पर भी हो, यूट्यूब में, मान लो कि यूट्यूब में, और साथ में आप डायरेक्ट आपको मैसेंजर पर जाना है, मेनू बटन पर आपको डबल क्लिक करना है, मैसेंजर पर जाएंगे, मेनू बटन पर डबल क्लिक करते डायरेक्ट अभी व्हाट्सअप मैसेंजर से सीधे अभी यूट्यूब पर जाएंगे। आपको दूसरे एप्लीकेशन में ट्रांसफर होना है तो आपको बस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, यहाँ से आप इस एप्लीकेशन से उस एप्लीकेशन में ऐसे आप ट्रांसफर हो जाते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से ट्रिक आती है। उसके बाद और देखेंगे और आप देख सकते हैं और एक आपको ट्रिक बताऊंगा, डबल स्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाते ही एक स्क्रीन हो गया ऊपर, और मान लो कि आप दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करना है तो आप फेसबुक, अब यूट्यूब और फेसबुक आप मैं एक ही साथ यूज़ करके आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप दो एप्लीकेशन एक ही स्क्रीन पर एक ही साथ में यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से ये ट्रिक आती है, ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, सो बहुत अच्छा लगता है। दो स्क्रीन में आप दो स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं एक ही स्क्रीन में, दो एप्लीकेशन, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे यूज़ कर लेना दोस्तों। ये तो ट्रिक आपको बता रहा हूँ, आप यूज़ करना जैसा आपको
अच्छा लगे। उसके बाद हम और जाते हैं, उस हम सेटिंग में जाएंगे क्या भी, तो चलिए अभी हम सेटिंग जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है डू नॉट डिस्टर्ब, एक ऐप को बताता हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब पर क्लिक करके इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद एक ऐप को बता देता हूँ, मान लो कि आप यूट्यूब मतलब आप मीटिंग में रहते हो, मीटिंग में रहने के बाद आपको वहाँ पर मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, और आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं वहाँ पर, आपको रिंगटोन भी नहीं होना चाहिए और वाइब्रेट भी नहीं होना चाहिए आपका स्मार्टफोन, और आप स्विच ऑफ भी नहीं कर सकते हैं ऐसी पोजीशन में हैं, तो आप डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करके रख लेना। अगर आपको कोई मैसेज कॉल नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी आए, आपको वाइब्रेट भी नहीं होगा आपका स्मार्टफोन, रिंगटोन भी नहीं बजेगा। तो और आप शेड्यूल भी करना चाहते हैं तो उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप डेली मीटिंग में रहते हैं तो डेली कितने बजे आपकी मीटिंग है वो शुरुआत के टाइम यहाँ पर लगा कर रखना, और एंड आपकी मीटिंग कितने बजे ख़त्म होती है वो यहाँ पर एंड टाइम में लगा कर रखना, डेली उसी टाइम ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा ये फीचर, और ऑटोमेटिक आपकी मीटिंग ख़त्म होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑन ऑटोमेटिक ऑफ कभी कभी आप भूल जाते हैं, इसलिए आपको शेड्यूल पर क्लिक करके शेड्यूल करके रख लेना है, आपको डेली ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, आपकी मीटिंग में डिस्टर्ब भी आपको नहीं होगा तो ये फीचर से डू नॉट डिस्टर्ब से। उसके बाद ठीक नीचे आने के बाद और देखते हैं फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड पर क्लिक करके, यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर तो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, यहाँ पर हम रखेंगे फिंगरप्रिंट सेंसर रखेंगे तो देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6, तो चलिए हम रख लेंगे फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पर आपको कोई भी पैटर्न या पिन रख लेना, मैं पिन रख लिया तो आपको ऐसे टच करना है, तो यहाँ पर साइड माउंटेड तो मिलेगा आपको, बस आपको साइड पर ऐसे टच करना है, टच करते ही फिंगरप्रिंट आपका लग जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं साइड माउंटेड है फिंगरप्रिंट, आपको बस यहाँ पर बटन पर क्लिक नहीं करना, बस आपको एक बार थोड़ा टच करना है, बस हाथ लगाना है वहाँ पर, हाथ लगाते ही आपका फिंगरप्रिंट सेंसर ना अनलॉक हो जाएगा, कुछ इस तरह से आता है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा रख लेना। सो आपको बस मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो चलिए अभी और आते हैं हम सेटिंग में, इसमें देखेंगे इसमें हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो चलिए हम ये तो कोई ज़रूरत नहीं, खास फीचर तो हमको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, तो चलिए ये कोई ज़रूरत तो है नहीं, गूगल असिस्टेंट होगी अगर आएगी तो चलिए, गूगल असिस्टेंट तो बंद भी नहीं हो रहा है, तो चलिए हम बैक आते हैं। अभी बैक आने के बाद और आप देख सकते हैं यहाँ पर टूल्स पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इस फीचर पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नेविगेशन बटन्स, इस पर आपको क्लिक करना है, ये जो नीचे बैक बटन है ना इसको आप हिड भी कर सकते हैं, वो कैसे अभी आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, सही पर क्लिक करना है, सही पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद ना इस फीचर पर क्लिक करने के बाद आप देखते हैं पर बटन्स तो हाइड हो गए, आपको बैक आना है तो यहाँ से साइड से बैक आ सकते हैं, सो आप देख सकते हैं आपको होम बटन पर क्लिक करना है तो नीचे से एक बार उठा कर ये करना, रिसेंट टास्क यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं पर होम बटन से, कभी कभी नहीं आता है तो क्विक बेल आपको एक ट्रिक आपको बताऊंगा मैं, उससे आप रिसेंट टास्क रिमूव कर सकते हैं बहुत अच्छे से, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं सो रिसेंट टास्क रिमूव ठीक से यहाँ से नहीं होता है, सो यहाँ बटन हाइड करने के बाद रिसेंट टास्क का प्रॉब्लम होता है, आप देख सकते हैं फिर भी होगा, कभी कभी आप परफेक्ट हो जाएंगे ना सो तो ठीक हो जाता है। तो मैं एक आपको और एक फीचर बताऊंगा इसके बाद क्विक बेल का, वहाँ से आप बहुत ही अच्छे से रिसेंट टास्क रिमूव कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेबल, अभी उसके बाद फीचर की बात करेंगे तो ये असिस्टेबल यहाँ पर एक बेल खुलकर आएगी, ये बैक बटन हो रहा है, अभी बैक बटन तो हमको नहीं चाहिए इतने अच्छे फीचर में, ये बैक बटन इतना ही हम नहीं यूज़ करेंगे और दूसरे फीचर लाएंगे। अभी टैब मेनू पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें फीचर आपको मिलेंगे, ये बैक बटन, ये स्क्रीनशॉट बटन, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसी बटन से। उसके अलावा और भी हमको फीचर मिलेंगे, ये रिसेंट टैक्स रिमूव बटन, यहाँ पर इस तरह से आप रिसेंट टैक्स रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद ये लॉक कर सकते हैं, इतने फीचर्स हमको यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों ये एक ही असिस्टेबल सेटिंग में। उसके बाद ये है सो कुछ इस तरह से इतने फीचर हमको यहाँ पर मिल जाएंगे, होम बटन वगैरह मिलेगा, रिसेंट टैक्स, बैक बटन, स्क्रीनशॉट बटन, कितने फीचर हमको एक ही फीचर में मिलेंगे। उसके बाद और आते हैं हम स्लाइड बार, उसके ठीक नीचे आने के बाद स्लाइड बार आपको दिख रहा होगा, अगर आपका ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है, ये क्या आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप ऐसे स्लाइड करने के बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन यहाँ से आप अपने फेवरेट एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं, आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करें तुरंत आपको दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करना है, ओपन करना है अपना फेवरेट एप्लीकेशन, तो आपको ऐसे स्लाइड करके यहाँ पर साइड में वो एप्लीकेशन ओपन करना है, प्लस पर क्लिक करके अपने फेवरेट एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड करके रख लेना। तो चले भी ऐड कर रहा हूँ मैं एप्लीकेशन, दो चार ऐड कर दिया, तो अब स्वाइप करना है आपको, अर्जेंट ओपन करना है तो अब स्वाइप करके इसे ओपन कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन से आप ट्रांसफर हो सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर मतलब दूसरा एप्लीकेशन स्पीड से ओपन कर सकते हैं, सो कुछ इस तरह से आता है, और हम देखेंगे यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट रहने दो और कोई यहाँ पर फ़र्क तो नहीं मिलेगा हमको। तो चलिए बैक आते हैं, यहाँ पर गेस्टर्स एंड मेंशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद और भी यहाँ पर हमको ट्रिक्स मिलेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप देखते हैं स्क्रीन ऑफ गेस्टर्स, इस पर क्लिक करके इसको ऑन करना है, इसको ऑन कर लेते हैं दोस्तों, हम इसको ऑन करने के बाद सबको ऑन करना है, यहाँ से
सबको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं अभी ऑफ स्क्रीन में ऐसा डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा। मैं आपको कुछ देर पहले ही बता दिया था डबल टैप करते ही स्क्रीन ऑन हो जाएगा, वो ट्रिक बताऊंगा बोलकर। आप देख सकते हैं डबल टैप करना है ऑफ स्क्रीन पर तो आपको ना स्क्रीन ऑन हो जाएगा, आपको लॉक बटन पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद वो टाइप करेंगे ऐसा तो कैमरा ओपन हो जाएगा ऑफ स्क्रीन पर ही। आप देख सकते हैं वो टाइप किया तो कैमरा ओपन होगा। अगर आपको अर्जेंट टाइम अर्जेंट आपको कैमरा ओपन करना है तो कुछ इस तरह से आप लॉक स्क्रीन पर ही कैमरा ओपन कर सकते हैं। उसके बाद और आपको यहाँ पर फीचर मिलेंगे, फ्लैशलाइट का एक फीचर मिलेगा यहाँ पर। आप ऑफ स्क्रीन में ऐसा हम करेंगे वी टाइप करेंगे तो फ्लैशलाइट ओपन होता है, आपको दिखा देता हूँ। आप देखते हैं वी टाइप करेंगे ना ऑफ स्क्रीन पर, आप देखते हैं वी टाइप करता हूँ, वी टाइप करते ही फ्लैशलाइट ऑन हो गई। अगर अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो अर्जेंट आपको एकदम अर्जेंट आया फ्लैशलाइट ओपन करना है तो आप वी टाइप करना है ऑफ स्क्रीन पर ही तो आपकी फ्लैशलाइट ना सो ओपन हो जाएगी। अर्जेंट टाइम में साथ देगा सो कुछ इस तरह से शॉर्टकट की कुछ इस तरह से आते हैं। उसके बाद दोस्तों और भी हम देखेंगे क्या फीचर्स हमको यहाँ पर मिलेंगे। पर अपने मनपसंद के एप्लीकेशन भी आप यहाँ लगा कर रखते हैं, यहाँ पर व्हाट्सअप डब्ल्यू पर व्हाट्सअप और यहाँ पर वगैरह वगैरह आप जो जो आपको एप्लीकेशन लगे अच्छे लगते हैं वह रख सकते हैं। सो कॉल अनलॉक वगैरह वगैरह आप देख लेना, वहाँ पर आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, अगर ये ऑफ है तो आपका इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद थ्री फिंगर को नीचे लेकर आएंगे तो स्क्रीनशॉट आपका लग जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लग जाएगा, इस तरह से आप शॉर्टकट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और भी हम नीचे आने के बाद देख सकते हैं रेस्ट टू वेक, एक ऐप को बता देता हूँ, इसको निकालता हूँ पहले। यहाँ पर रेस्ट टू वेक इसको ऑन कर लेना। इसको ऑन करने के बाद एक ऐप को बता देता हूँ, मान लो कि आप अपना स्मार्टफोन टेबल पर यहाँ कहीं भी रखे हो। रखने के बाद दोस्तों जैसे आप अपने स्मार्टफोन को उठाकर अपने हाथ में लेंगे, हाथ में लेते हैं ना दोस्तों अपना स्मार्टफोन है ना दोस्तों स्क्रीन ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं बटन भी क्लिक नहीं किया, कुछ भी नहीं क्लिक किया, हाथ में लेते ही स्क्रीन ऑन हो रहा है कुछ इस तरह से आता है। उसके बाद आप फेस अनलॉक रखेंगे तो फेस अनलॉक से अनलॉक हो जाएगा, आपको कोई भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ऑटो एयर पिकअप, इस पर आपको क्लिक करके इसको क्या इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। एक आपको बता दूँ, मान लो कि आपको कॉल आ गया, कॉल आने के बाद ना दोस्तों आपको फ़ोन कान को लेकर कान के पास लेकर जाना है, आपको फ़ोन उठाना नहीं है, कान के पास लेकर जाएंगे तो ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। उसके ठीक नीचे देख सकते हैं आप ऑटो स्विच टू एयर रिसीव, ये भी ना दोस्तों उसी के रिगार्डिंग आता है। ऑटो स्विच हो जाएगा, स्विच हो जाएगा रिसीव करने के बाद, कुछ इस तरह से ट्रिक्स आते हैं वगैरह वगैरह, इसको भी यूज़ कर लेना, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक आती है। उसके बाद दोस्तों कमाल की ट्रिक, उसके बाद ये है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, एक ऐप बताता हूँ, इसको ऑन कर लेना है। अगर आपको कॉल आ रहा है वो फोन आप रिसीव नहीं करना चाहते हैं, रिसीव नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, रिंगटोन तो बज रहा है, रिंगटोन तो म्यूट करना है, तो आपको फ्लिप करना है अपने स्मार्टफोन को। फ्लिप करने के बाद ना दोस्तों रिंगटोन बंद हो जाएगी, फोन तो आता रहेगा लेकिन रिंगटोन इतना ही साइलेंट हो जाएगी दोस्तों, कुछ इस तरह से ट्रिक आते हैं। उसके बाद बैक आने के बाद देखेंगे प्राइवेसी में जाकर यहाँ पर देखेंगे तो फाइंड माई डिवाइस, इसको ऑन करके रख लेना दोस्तों आपको सब स्मार्टफोन में, ये स्मार्टफोन में सब स्मार्टफोन में इसको ऑन करके रख लेना। इसको ऑन करने के बाद ये आपको बता दूँ, मान लो कि आपका स्मार्टफोन घूम गया, घूम जाने के बाद बड़े आराम से आप ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को कहाँ है पता कर सकते हैं। उसके बाद ठीक नहीं जाने के बाद ऐप लॉक, आप ऐप लॉक भी रख सकते हैं, सो आपको इसमें ऐप लॉक भी मिल जाएगा, इसमें ऐप लॉक सेटिंग भी मिल जाएगी, तो ऐप लॉक भी बड़े आराम से इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी डाल लेना, यहाँ पर कोई वही डालना बोल के कोई कुछ ऐसी शर्त तो नहीं है। अभी देख सकते हैं फिर ऐप लॉक कौन कौन से एप्लीकेशन को लॉक रखना चाहते हैं रख लेना। अभी देख सकते हैं अभी ऐप लॉक लग गया, फिंगरप्रिंट से फिंगरप्रिंट रख सकते हैं, फिंगरप्रिंट भी और पिन भी रख सकते हैं, पैटर्न भी रख सकते हैं। अभी अर्जेंट टाइम है बोलकर मैं अभी थोड़ा ऐसी ट्रिक वीडियो बना रहा हूँ, वही जो लॉक स्क्रीन पर था पैटर्न पिन कोड वही यहाँ पर लग गया, वही लॉक स्क्रीन पर से आप फिंगरप्रिंट भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर इस पर मिलेगा प्राइवेट सेव, आपको कोई प्राइवेट डेटा है, वीडियो है, फोटोज़ हैं प्राइवेट, किसी को नहीं दिखाना चाहते तो आप यहाँ पर प्राइवेट सेव भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो प्राइवेट सेव में उसको आप डेटा अपना छुपा कर रख सकते हैं, वो कोई भी देखेगा नहीं, आपकी गैलरी में शो भी नहीं होगा। उसके बाद सिक्योरिटी में देखेंगे तो हमको यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, बैक आते हैं। उसके बाद एडिशनल सेटिंग में जाना है आपको, एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद ठीक नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी फीचर आपको मिलेगा। आप माइक्रो क्वालिटी हाई रख लेना दोस्तों, और माइक्रोफोन एक्स्ट्रा लगा कर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ पर माइक्रोफोन भी रख लेना, रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन साउंड, और उसके अलावा और भी हमको यहाँ पर फीचर्स थोड़े यहाँ पर मिल जाएंगे, फ्रंट कैमरा मिलेगा वो ये वगैरह वगैरह, यहाँ पर इतने फीचर्स आपको मिल जाएंगे सेटिंग में अगर आप सेटिंग कर लेना। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक ऑन ऑफ, अपना स्मार्टफोन आप
ऑन ऑफ करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक ऑफ करना चाहते हैं, कितने बजे ऑफ ऑफ करना चाहते हैं अपना स्मार्टफोन वो रख लेना दोस्तों यहाँ पर टाइमिंग लगाकर ऑफ टाइमिंग, और ऑटोमेटिक ऑन भी करना चाहते हैं आप कितने बजे ऑन करना चाहते हैं ऑटोमेटिक वो यहाँ पर टाइमिंग लगाकर रख लेना ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा। उसको ठीक नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं रिसेंट टास्क मैनेजर, एक आपको बता देता हूँ डिस्प्ले रैम मेमोरी इन्फॉर्मेशन फॉर रिसेंट टास्क, एक आपको बता देता हूँ। आप देखते हैं रिसेंट टास्क रिमूव करते हैं तो यहाँ पर मेमोरी रैम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, डिटेल्स वगैरह इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे। इसको ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी रैम मेमोरी कितनी बची है वो यहाँ पर डिटेल्स दिखा देगा दोस्तों, कुछ इस तरह से आता है। बैक आने के बाद और भी आपको OTG कनेक्शन, अब मान लो कि आप OTG ले लिया और कनेक्ट कर रहे हैं कनेक्ट हो रहा नहीं, तो यहाँ से आपको है ना दोस्तों इस सेटिंग को OTG कनेक्शन को यहाँ से सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी OTG कनेक्ट हो जाएगी दोस्तों। उससे पहले यहाँ पर OTG कनेक्ट नहीं हो जाएगी आपकी। उसके बाद बैक आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप क्लोनर, आप डबल एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं एक ही स्मार्टफोन में तो ऐप क्लोनर पर क्लिक करके आप ऐप को क्लोन कर सकते हैं। दो फेसबुक हो गए दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके अलावा और भी दूसरे ऐप आप क्लोन कर सकते हैं, दो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं एक ही स्मार्टफोन में, कुछ इस तरह से आता है। बैक आएंगे भी बैक आकर और देखते हैं यहाँ पर गेम स्पेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो गेम स्पेस में क्लिक करके आप गेम कर लेना दोस्तों, गेम स्पेस भी मिल जाता है यहाँ पर। नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह इसकी भी आप सेटिंग कर लेना, गेम में तो मैं सपोर्ट नहीं करता वैसे, गेम तो खेलना ही नहीं, तो कुछ इस तरह से ये सेटिंग आते हैं दोस्तों इसी Realme 6 आई की टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स। ये फिलहाल है दोस्तों Realme 6 स्मार्टफोन है, उसी Realme 6 आई से पूरे फीचर इसके मिलते हुए झिलते हुए आपको मिल जाते हैं।